हेलो दोस्तों, हार्दिक हार्दिक स्वागत है सुनील इज इंग्लिश ग्रामर इस चैनल पर। और सबसे बड़ी बात है, इस ग्रामर के चैनल पर अभी तक जो टेस्ट नहीं दिए गए थे, अभी आज ये टेस्ट होने जा रहा है। और लगभग इस टेस्ट में 25 क्वेश्चन से प्रश्न हैं। पहले 10 क्वेश्चन ये इजी टाइप के हैं, दूसरे 10 क्वेश्चन मीडियम मध्यम स्वरूप के हैं, और जो आखिरी के 5 क्वेश्चन हैं लगभग ये एमपीएससी और यूपीएससी के लेवल के हैं। अगर आपका अंग्रेज़ी का ज्ञान अच्छा है तो कृपया यह टेस्ट अंत तक छुड़ाइए। और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा के क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए। प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, आपण या टेस्टच्या माध्यमातून आपलं इंग्रजी व्याकरण तपासा, याचा फायदा नक्की तुम्हाला इतर स्पर्धा परीक्षांमध्ये सुद्धा होणार आहे। म्हणून हे 25 प्रश्न आहेत, यांना 1 गुण आहे, असे 25 मार्क आहेत। आणि आपलं इंग्रजी व्याकरण किती छान आहे, अभ्यास कसा आहे, हे तुम्हाला आज तपासायचं आहे। क्वेश्चन नंबर 1, शी ब्लँक गो टू जिम फॉर फिटनेस। ऑप्शन ए सरप्राईज टू, बी यूज टू, सी एट टू, डी प्रॅक्टिस टू। विच इज करेक्ट वर्ब इन दिस ब्लँक। क्वेश्चन नंबर 2, एलिफंट ब्लैंक वेरी बिग एनिमल। ए एम, बी इज, सी वॉज, डी विल। विच इज करेक्ट हेल्पिंग वर्ब। क्वेश्चन नंबर 3, ब्लैंक आर 4 ट्रीज इन माय गार्डन। ऑप्शन ए देअर, बी देअर, सी फेअर, डी फेअर। विच इज करेक्ट वर्ड। क्वेश्चन नंबर 4, ब्लँक मँगोज आर टेस्टी। ऑप्शन ए ट्री, ऑप्शन बी सम, ऑप्शन सी कम, ऑप्शन डी ब्रूम। विच इज करेक्ट वर्ड टू कम्प्लीट द ब्लँक। क्वेश्चन नंबर 5, आय नो ब्लँक नेचर। ऑप्शन ए देम, बी हर, सी अवर, डी धीस। विच इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्वेश्चन नंबर 6, राम वेंट टू फार्म अर्जंटली ब्लँक ही गॉट कॉल्ड। ऑप्शन ए अँड, बी फॉर, सी व्हेन, डी सो। डिअर स्टुडंट्स, विच इज कंजक्शन इज सुटेबल फॉर दिस ब्लँक, ट्राय टू अंडरस्टँड अँड कमेंट द करेक्ट आन्सर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, कॅरी वॉज ब्लँक टू कॅच ए माऊस। ए फ्राईंग, बी गेटिंग, सी ट्राईंग, डी फायटिंग। सो टेल द करेक्ट कंटिन्युअस ॲक्शन इज देअर इन द सेंटेन्सेस। ओके, इन द सेंटेन्स जस्ट गेट द करेक्ट वर्ब प्लस ing। मूव टू क्वेश्चन नंबर 8,
नैना वॉकिंग ब्लैंक रोड द रोड ए ओवर बी ऑन सी बिलो डी अप विच इज करेक्ट सुटेबल प्रेपोजिशन इन दिस ब्लैंक प्रेपोजिशन. क्वेश्चन नंबर 9. आय हॅड अ कॅप. दिस इज व्हेरी सिंपल सेंटेन्स बट टेल द करेक्ट ऑप्शन. ए सिंपल प्रेझेंट टेन्स, बी सिंपल फ्युचर टेन्स, सी सिंपल पास्ट टेन्स, डी प्रेझेंट कंटिन्यू टेन्स. आय हॅड अ कॅप, टेल द करेक्ट टेन्स यूज्ड इन दिस स्मॉल सेंटेन्स. क्वेश्चन नंबर 10. मनोहर ब्लैंक रेड कलर पेंसिल. ऑप्शन ए थ्रो, बी चूज, सी एक्सेप्ट, डी डन. विच इज द करेक्ट वर्ब टू शूज द रेड कलर पेंसिल. कमेंट द आंसर प्लीज. क्वेश्चन नंबर 11. भीम इज नॉट ओनली स्मार्ट ब्लैंक ब्रिलियंट. ए नेवर, बी बट ऑल्सो, सी एवर, डी देअरफॉर. क्वेश्चन नंबर 12. ऑड मॅन आउट. ऑड मॅन आउट बघायचं आहे, कोणता शब्द ऑड आहे. टीचर, डेंटिस्ट, बुक्स, पेन. विच इज ऑड मॅन आउट वर्ड. क्वेश्चन नंबर 13. ब्लँक इज युअर बेस्ट फ्रेंड. चूज द करेक्ट डब्ल्यू एच वर्ड. व्हॉट, व्हेअर, व्हेन, हू. डब्ल्यू एच शब्द कोणता आहे इथे लागू पडतो ते बघायचं आहे. क्वेश्चन नंबर 14. चूज करेक्ट ॲडव्हर्ब्स फ्रॉम द फॉलोइंग. ॲडव्हर्ब कोणता आहे ते बघायचं आहे. एकच सिंगल, हॅपी, हॅपीली, हॅपीनेस, हेल्पफुल. यापैकी कोणता शब्द ॲडव्हर्ब आहे ते सांगायचं आहे. प्लीज कमेंट युअर आन्सर इन अ कमेंट बॉक्स प्लीज. क्वेश्चन नंबर 15. कंप्लीट फॉलोइंग ब्लँक. पेन इज मैटर दॅन ब्लँक. सॉक्स, सँड, स्वॉर्ड, सोडा. विच इज करेक्ट वर्ड फॉर दिस आयटम. क्वेश्चन नंबर 16. व्हॉट इज मीन बाय कट डाऊन. ए ॲडजस्ट, बी रिक्वायर्ड, सी रिड्यूस, डी ब्रोकन टू. कट डाऊन याचा अर्थ काय होतो हे सांगायचं आहे. चार ऑप्शनपैकी नेमका अर्थ कोणता आहे. क्वेश्चन नंबर 17. विच इज करेक्ट रायमिंग वर्ड फॉर नाईट. ए मीट, बी रिपीट, सी नीट, डी लाईट. रायमिंग वर्ड कोणता. क्वेश्चन नंबर 18. टेल द करेक्ट सिनोनिम of the following word very ancient. A priceless, B precious, C primeval,
डी प्रीचर. वेरी एनिशियंट मीन्स व्हाट. सेम मीनिंग वर्ड. नाउ द क्वेश्चन नंबर 19. वेयर हैव यू कम फ्रॉम कॉमा बॉय. इन अबोव सेंटेंस लास्ट वर्ड विच पंचुएट इज यूज्ड. पंचुएशन लास्ट वर्ड मध्ये इन अ सेंटेंस. वेयर हैव यू कम फ्रॉम बॉय. एक्सक्लेमेशन क्वेश्चन कॉमा इन्वर्टेड कॉमास. Now the question number 20. The tusker snorted, trumpeted and shook his head. Which is subject of the above sentence? You have to find which is the subject in the sentence. The options are snorted, trumpeted, shook, tusker. Which is the subject in the sentence? Question 21. Which is the correct sentence? 1. She stood at the crossing. 2. She stand up at the crossing. 3. She stood up by the crossing. 4. She stand at the cross. Find out the correct sentence. Question number 22. Ganga is the biggest river than Bhima. Tell the correct degree. 1. Positive degree. 2. Superlative degree. 3. Simple sentence. 4th option is there. None of the above. Which is the degree is mentioned in the sentence? Ganga is the biggest river than Bhima. The house will be cleaned by me every Saturday. 1. I would clean the house every Saturday. 2. I won't clean the house every Saturday. I will clean the house every Saturday. 4. I will have been cleaning the house every Saturday. Please tell which is the correct active voice of above sentence. The house will be cleaned by me every Saturday. Tell the active voice. Now the last question, 25. What is the item last resort? 1st option, last problem. 2nd, last house. 3rd, last chance. 4th, last question. So dear students, tell and comment the answer of the question 25. What is mean by last resort? कमेंट बॉक्स मध्ये लिहायचे आहे, टाइप करायचे आहे. पुढील व्हिडिओच्या भागात आपण विविध